are three types of work in this class 9. You have to study about that. First is positive work. Positive. Okay, one is positive. When a body moves in the direction of applied force, suppose a body is there and we have applied a force from this direction and body displaces in the disk along with the direction of force, ये देखिए इसका direction में displacement जो हो रहा है वो same direction में हो रहा है. Displacement ये भी इस direction में, force भी इस direction में है. तो in this case W is F into S, okay? F into S और ये होगा आपका positive work. ऐसे बहुत सारे examples हो सकते हैं कि अगर हम box को धक्का दें, जिस जो force हम apply कर रहे हैं, वो force के accordingly हमारा जो displacement है, वो उसी direction में हो रहा है, इसलिए वो force, वो जो work done है, that is positive. ठीक है? तो जब force का जो भी फोर्स उसमें अप्लाई हो रहा है उस फोर्स के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन इज पॉजिटिव. एंड सेकंड इज नेगेटिव वर्क डन. नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है? मान लीजिए व्हेन अ बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स अप्लाई, मतलब अगर हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और बॉडी तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा है, कब हो सकता है? देखिए यहां पर अगर कोई बॉडी है, ये एक रफ सरफेस, दिस इज आई एम कीपिंग इट ऑन द रफ सरफेस, सम रफ सरफेस, थोड़ा सा रफ सरफेस है. अब अगर हम इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहां पर आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी अप्लाई होगा. ये है आपका मैनुअल फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं और ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ठीक है, फोर्स ये वाला फोर्स जो एफ है, दिस इज ग्रेटर देन स्मॉल एफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ये वाला फोर्स ज्यादा है, इसलिए बॉडी एस डिस्प्लेसमेंट, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ठीक है, अब अगर हम इस फोर्स की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो इस फोर्स के हिसाब से वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है. लेकिन अगर हम इस फोर्स की बात करें, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है. इन दिस केस द फोर्स द वर्क इज नेगेटिव. इस केस इस फोर्स के, ठीक है, तो इस केस में आप फोर्स देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं वर्क डन है, ये नेगेटिव है. और एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल और लेते हैं. सपोज एक पुली है मान लीजिए, और इस पुली से यहां पर पुली लगी हुई है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम खींच रहे हैं. अब देखिए फोर्स आप लगा रहे हैं कैसे, इस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है? इस डायरेक्शन. सो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा है. सो इन दिस केस द वर्क इज नेगेटिव माइनस एफ इंटू एस. ओके, सो यहां पर फोर्स जो होगा नेगेटिव होगा. अब जीरो फोर्स का होता है. थर्ड इज जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क. जीरो वर्क कब होता है? देखिए जीरो वर्क तभी होगा जब डब्ल्यू इज इक्वल टू जो एफ एस होता है, एफ इंटू एस. इसमें या तो आप फोर्स अप्लाई ही ना करें, वो तो पॉसिबल है नहीं. अगर हम फोर्स अप्लाई करें और डिस्प्लेसमेंट जीरो, व्हेन एस इज इक्वल टू जीरो डब्ल्यू इज आल्सो इज इक्वल टू जीरो. ये थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा. ये देखिए जीरो वर्क डन के लिए अगर डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस है और अगर एस इज इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि फोर्स तो हम अप्लाई कर रहे हैं बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, देयरफॉर डब्ल्यू इज ऑल्सो इज इक्वल टू जीरो. दूसरा केस हो सकता है जब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के कैसे हो? परपेंडिकुलर हो.
ठीक है, उस केस में भी डब्ल्यू जो होता है जीरो होता है। सपोज एक पुली है, वो सामान सर पे उठा के रखा हुआ उसने, ठीक है, अ पर्सन इज सपोज एक ये पुली है और इसने, मैं थोड़ा ऐसे ही बना रहा हूं, ये सामान उठा के रखा हुआ और ये चल रहा है। अब देखिए फोर्स जो है, इसका जो फोर्स है वो नीचे डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, फोर्स मतलब एम इंटू जी, यहां पर फोर्स क्या हो रहा है एम इंटू जी है, ये कैसा लगेगा नीचे डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा हो रहा है, ये ऐसे चल रहा है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गए। इस केस में द वर्क डन इज जीरो, वर्क इज इक्वल टू जीरो इन दिस केस। ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिसमें वर्क डन जीरो हो सकता है, आदमी सामान ऐसे उठा के रखे या सर पे ऐसे उठा के रखे और उसके बाद चले तो इसमें होगा जीरो। अब मान लीजिए कोई आदमी सीढ़ी पे चल रहा है, सामान उठा करके सीढ़ी में चढ़ रहा, ठीक है, द पर्सन इज, ये देखिए ये पर्सन है सपोज, एंड दिस इज छोटा बना दिया मैंने, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये हुआ और ये और इसका और दूसरा पाँव मान लो नीचे से अभी आ रहा है, ठीक है, अब ना दिस इज हैविंग अ लोड ऑन, ये उठा करके इसके ऊपर चल रहा है। अब जाके देखिए ये डायरेक्शन इसका फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, नीचे की डायरेक्शन, लेकिन ये बॉडी कैसे जा रही है ऊपर की साइड में जा रही है। अगर इसमें देखें तो यहां पर नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, इसमें जो नेगेटिव हो रहा है, लेकिन अगेंस्ट द देखें अगर इसके फोर्स के, ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगर हम देखें ग्रेविटी के अगेंस्ट चलेंगे, फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है ना हमको, क्योंकि हम सामान को उठाए हुए अगेंस्ट द ग्रेविटी, तब उस केस में ये पॉजिटिव हो गया, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हमारा जो अगेंस्ट द ग्रेविटी हम फोर्स कैसे लगा रहा है, ये आदमी फोर्स कैसे लगा रहा है, इधर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसी हो रहा है। इस केस में आप देखेंगे तो वर्क डन ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नाउ वन थिंग इज, अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वैसे तो आपके कोर्स में है नहीं, सपोज एक बॉडी है और इस बॉडी पर हम फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और ये थीटा एंगल, एक एंगल ले लिया थीटा, थीटा इज नॉट नथिंग, एक वेरिएबल है जो एंगल के लिए यूज करते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, तो ये अगर हम इसको रिजॉल्व करें, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें वर्टिकल कंपोनेंट देखें, आप देखिए जैसे छोटा बच्चा अगर गाड़ी उसकी जो खिलौना होता है उसको अगर वो खींचता है तो उसका डायरेक्शन देखो ऊपर रहता है, लेकिन गाड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, तो ये डायरेक्शन ऐसे लगा रहा है और ये जो है कार्ट जो कुछ भी उसका जो खिलौना है ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसने क्या ये काम कर रहा है, नहीं, केवल ये वाला हिस्सा जो है वो एफ कॉस थीटा और ये होता है आपका वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा, ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं और काम कौन सा कर रहा होता है, केवल ये वाला, क्योंकि ये एफ साइन थीटा इसके रिएक्शन को बराबर कर देता है, ठीक है, वेट और एफ साइन थीटा दोनों बराबर हो गए और उसके बाद में ये जो एफ कॉस थीटा है ये काम कर रहा है। तो इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट एस तक चला गया, मान लो ये बॉडी यहां तक आ गई है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एस, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू यहां पर होगा एफ कॉस थीटा इनटू एस। अब यहां पर कॉस थीटा आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ वैल्यू फ्री दे रहा हूं कॉस थीटा की, अगर कॉस थीटा यहां पर थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री हुआ, अगर जीरो डिग्री है तो इसकी वैल्यू वन होती है मैक्सिमम, इस केस में ये पॉजिटिव वर्क डन होगा। कॉस 90 डिग्री अगर होता है इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो इस केस में जीरो वर्क डन होगा, और कॉस ऑफ 180 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू माइनस वन होती है, इस केस में वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव होता है। सो ये आपको बस केवल इतना याद रखना है, कॉस थीटा से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस आपको लिखा हुआ आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, कॉस क्या होगा, साइन कॉस टैन ये सब चीजें आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको केवल इतना याद रखना है, अगर जरूरत पड़ी तो आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे थीटा की बस वैल्यू यही 3 आपसे कही जाएगी, अगर कोई और वैल्यू नहीं कही जाएगी आपसे निकालने के लिए, इसके लिए मत परेशान होइए, बस केवल इस तरीके से भी पहचाना जा सकता है कि वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव या
जीरो कैसे हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको उसमें बताऊंगा, लिख करके आपको मैं दे दूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, जय गुरु।